के उत्तरी भाग में स्थित और बर्फ के आंचल से ढके ऊंचे पर्वत 55.60 लाख हेक्टेयर का कुल क्षेत्र और लगभग 70 लाख की आबादी को समेटे हुए हिमाचल प्रदेश, जिसकी लगभग 68% जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, परंतु कृषि घरेलू उत्पाद 10% से भी कम है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सिर्फ 10% भूमि ही खेती के लिए यहाँ उपलब्ध है। 87% से अधिक सीमांत और लघु किसान छोटे छोटे भूखंडों के मालिक हैं। सिंचाई केवल 20% कृषि योग्य भूमि के लिए उपलब्ध है, शेष खेती वर्षा पर निर्भर है। पहले अधिकतर किसान खाद्यान्नों की पारंपरिक खेती किया करते थे, सब्जियों और नकदी फसलों की ओर ध्यान नगण्य था, परंतु समय के साथ साथ प्रदेश ने सब्जी एवं फल उत्पादन में काफी नाम कमाया है, लेकिन ये अधिकतर ऊंचे और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। मेन प्रॉब्लम ये आती थी, पानी कहाँ से, गर्मियों में पानी कहाँ से लिया जाए। तो हम दिन के लिए जब लोग सोए होते थे धूप में, तो हम पानी लाते थे हैंडपम्प से, वो भी हैंडपम्प से कम 500 लीटर पानी जो इकट्ठा करना पड़ता है शाम को, और शाम को बूंद बूंद करके जो है पौधे को बचाना पड़ता था गर्मियों से। निचले पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि विकास और मौजूदा कृषक आय को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता थी, जिससे निचले क्षेत्रों के किसान भी पारंपरिक फसलों के बदले नकदी फसलों को पैदा करें। परंतु इसके लिए यहाँ के कृषकों को बुनियादी ढांचा जैसे सिंचाई और विपणन सुविधाएं देना जरूरी था। इन सभी पहलुओं को देखते हुए जापान सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना वर्ष 2011 से प्रदेश में शुरू की गई। 321 करोड़ रुपए की लागत की प्रथम चरण की ये परियोजना जापान सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों क्रमशः मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में शुरू हुई। परियोजना के संचालन हेतु 210 सब प्रोजेक्टों का चयन किया गया, जहां पर सिंचाई सुविधा प्रदान कर किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया गया। नई तकनीकें जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर, पॉली हाउस को व्यापक स्तर पर लगाया गया, ताकि जल का सिंचाई हेतु सदुपयोग किया जा सके। द्वारा हिमाचल के 5 जिलों में फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, जिसको कि जापान सरकार से वित्त पोषित है। 301 करोड़ की योजना है, जिसमें 266 करोड़ रुपया जो है जापान सरकार से मिले हैं, और बाकी 55 करोड़ जो हैं वो राज्य सरकार द्वारा इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों की आमदन को बढ़ाना है, खेती के नए आधुनिक तरीकों का उपयोग करके, मशीनरी का उपयोग करके और सिंचाई सुविधाओं का निर्माण करके। तो इस परियोजना में 5 जिलों में हमने 210 सिंचाई योजनाएं बनाई हैं, और जिसके अंतर्गत 4000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल जो है सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है, और किसान इस सिंचाई को सुविधाओं का उपयोग करके अपनी खेतों में अनाज की फसलों के अलावा सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। परियोजना में उद्देश्य ये भी था कि ये जो सिंचाई की योजना है वो सस्टेनेबल बेसिस पे चलें, कि ऐसे नहीं जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो तो सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो इसमें हमने ये ध्यान रखा है कि जो गाँव, जिस गाँव में भी सिंचाई योजना चली है उसके किसानों को पूरी तरह से ट्रेन किया है, और जैसे परियोजना सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाती है तो गांव की कमेटी को ही वो परियोजना जो है हैंडओवर कर दी जाती है उसको आगे चलाने के लिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। और बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी तक हमारे 97 जो है वो उठाऊ सिंचाई योजना है, जिसमें बिजली का खर्च होता है, तो सभी किसान खुद अपने पैसे लगा के उसका बिजली का बिल भरते हैं, ना कि सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, और उनको बड़ी अच्छी तरह से चला रहे हैं। तो इसी परियोजना के अंतर्गत हमने प्रोजेक्ट की एक विभिन्न गतिविधियों की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, एक फिल्म बनाई है, जिसमें अलग अलग जो भी इस
परियोजना में हिस्से हैं, जैसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो किसानों को ट्रेन करने के लिए, उनकी फसल की उत्पादन बढ़ाने के लिए, सब्जियों की आमदन बढ़ाने के लिए, सब्जियों को कैसे पैदा करना है उससे संबंधित है। और एक बड़ी हमने अच्छी बात और की है प्रोजेक्ट में कि बिजली के साथ साथ हमने सोलर पैनल का यूज़ किया है मोटर को चलाने के लिए। तो लगभग हमने 70 जगह जो है सोलर पैनल चलाए हैं, जिसमें कि सूरज की रोशनी से वो मोटर चलती है और पानी खेतों तक पहुंचता है, जिससे कि किसानों को जो है बड़ा कम खर्चे में ही वो सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो इस डॉक्यूमेंट्री में सब सारी गतिविधियों को बताया गया है, किसानों जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको, उन्होंने खुद इसके बारे में भी बताया है, और विभिन्न तरह की जो जानकारी है इस डॉक्यूमेंट्री में उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ साथ हमने जो यंग जनरेशन है उसको खेती की तरफ रुझान करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था हमने, प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट जनरेशन। हमने स्कूलों में जाके बच्चों को ये सिखाया कि कैसे सब्जियों का उत्पादन करना है, उनसे नर्सरी कैसे उगाएं, उनसे करवाई, उनसे खुद करवाया, और जब पौधे तैयार हो गए तो अपने घरों को ले जाके उन्होंने अपने खेतों में रोपण किया, और उनको यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे सेंटर्स में भी हम बच्चों को उगाने के लिए ले गए उनको दिखाने के लिए। उसके बड़े अच्छे नतीजे इस परियोजना में आए हैं। हमने लगभग 2000 स्कूल के बच्चों को 5 जिलों में इसके बारे में ट्रेनिंग दी, जानकारी दी, और ताकि वो इसको अपना पेशा अपनाएं खेतीबाड़ी को। बाराबंदी के तहत पूरी तरह से सिंचाई वितरण व्यवस्था लागू की गई, जिससे सभी कृषकों को समुचित और एक समान पानी मिल सके। 70 सौर ऊर्जा पंपों के द्वारा पानी को सिंचाई हेतु उठाया गया, जिससे बिजली के बिलों में भारी कमी आई है और कृषि लागत भी कम हुई है। सिंचाई सुविधा मिलने के पश्चात किसान सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है और उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सोलर पंप लगने से ये हो गया है कि हमारे जो धूप है, धूप से हम सोलर पंप को चला सकते हैं, जिसलिए हमारी फसलें जो है वो सही तरीके से चलती हैं और उसमें कोई पानी की कमी नहीं होती है। फसल विविधीकरण में चुनौतियां और अवसर, इस विषय पर परियोजना द्वारा धर्मशाला में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर, प्रदेश के कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ साथ जायका इंडिया के मुखिया श्री टाकेमा साकामोटो और दूसरे प्रदेशों में जायका परियोजनाओं के मुख्य प्रबंधकों ने भाग लिया और अपने अनुभव और ज्ञान आपस में साझा किए। कार्यशाला में परियोजना का बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण किया गया, साथ ही साथ किसानों की आय में अतिरिक्त बढ़ोतरी और सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था पर जोर दिया गया। जायका परियोजना के अंतर्गत दूसरे प्रदेशों में बेहतर परियोजना के प्रबंधन के बारे में भी विचार साझा किए गए। प्रदेश की फसल विविधीकरण परियोजना के हर सब प्रोजेक्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु किसान विकास एसोसिएशन बनाई गई है, जो एक पंजीकृत संस्था है। प्रथम चरण में 4600 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना एवं उसका संचालन और रखरखाव, खेतों को सड़कों और मंडियों से विपणन हेतु जोड़ना, कृषि मशीनीकरण, कृषकों को कृषि विविधीकरण की जानकारी देना, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को मुहैया कराना कृषक विकास एसोसिएशन के सहयोग से किया गया है, तथा सिंचाई प्रणाली का स्वामित्व उन्हें पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया है। कृषि मजदूरों की कमी और समय की बचत को देखते हुए कृषक विकास एसोसिएशन के पास कस्टम हायरिंग पर मशीनरी उपलब्ध है, जिससे कि कृषकों की कार्य करने की क्षमता बढ़े और लागत को कम किया जा सके। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु जायका परियोजना द्वारा कृषकों को समय समय पर ट्रेनिंग, प्रदर्शन, प्लॉट, सिंचाई योजना के संचालन, उचित रखरखाव बताने हेतु परियोजना प्रबंधन समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। कृषि प्रदर्शनी एवं भ्रमण के द्वारा उन्हें कृषि की मूलभूत जानकारियां दी जाती हैं। अब तक तकरीबन 15-20% क्षेत्र खाद्यान्न फसल से नकदी फसलों के अंतर्गत लाया जा चुका है, जिसमें निरंतर वृद्धि हो रही है।
शिमला मिर्च, करेला, घिया, मटर, टमाटर, अदरक, मिर्च, अरबी, जिमीकंद, गोभी, प्याज, ब्रोकली, चुकंदर, पालक, धनिया, सरसों और यूरोपीय सब्जियों और हल्दी की खेती करके कृषक सीधे तौर पर 4 से 5 गुना अधिक आमदनी प्राप्त कर रहे हैं तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। सब्जियों को सीधे तौर पर किसानों द्वारा विपणन भी किया जा रहा है तथा कृषक सीधे मंडियों का रुख भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी नकदी फसल का सही दाम मिल सके और बिचौलियों का युग समाप्त हो सके। फसल विविधीकरण के तहत कृषक अब यूरोपियन फसलें भी तैयार कर रहे हैं, जिससे उन्हें इसके अच्छे दाम बाजार में प्राप्त हो सकें। गुणवत्ता बरकरार रखने हेतु पनीरी को पॉली हाउस और पॉली टनल्स के समय से पहले तैयार किया जा रहा है, जो फसल पौध बेमौसम जैसे अधिक या कम तापमान, ओले, अत्यधिक वर्षा की वजह से खराब हो जाती थी, उन्हें पॉली हाउस में तैयार किया जा रहा है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली और रोग मुक्त पौध मिल सके। पॉली टनल्स और पॉली हाउस की मदद से कृषक अब पूरे वर्ष कई बार बाजार और समय के अनुरूप फसल तैयार कर सकते हैं। जायका तकनीकी सहयोग परियोजना के अंतर्गत संकर बीजों यानी हाइब्रिड सीड्स का ऊंची बैंड पर समान अनुपात में पंक्तियों में बराबर दूरी बनाकर इन्हें पॉली हाउस में तैयार किया जा रहा है। इससे बीज का नुकसान कम हो रहा है और पौध को पनपने के लिए भरपूर स्थान और एक समान वातावरण मिलता है। भारत जापान सहयोग से दक्षिण एशिया राष्ट्रों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा परियोजना का सर्वेक्षण और आधुनिक तकनीकियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भ्रमण किया गया और आपस में एक दूसरे से अपने अपने अनुभव और ज्ञान साझा किए गए। प्रतिनिधि मंडल के द्वारा परियोजना द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की गई। भंडारण, ग्रेडिंग, पैकिंग हेतु फोकल पॉइंट पर 23 संग्रह केंद्र स्थापित किए गए हैं। कई ग्रामों के लिए एक ही जगह ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और प्रसंस्करण की जानकारी भी दी जा रही है। दूध उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने हेतु पशुओं को उच्च स्तर का चारा बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे यहाँ के कृषक दूध पैदा कर बाजार में उसकी आपूर्ति करके अच्छे दाम प्राप्त कर सकें। महिलाओं को जागरूक करने हेतु, जिससे वो कई कार्य कर आत्मनिर्भर बन सकें, परियोजना के द्वारा 400 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं और उन्हें तरह तरह की ट्रेनिंग अलग अलग क्षेत्रों में दी जा रही है, जिससे खेती के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि हो सके और उनका आत्मसम्मान भी बरकरार रह सके। परियोजना की ओर से फूड प्रोसेसिंग, जूस प्रिजर्वेशन, विपणन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें फसल पकने के बाद उनका सही उपयोग हो सके। किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिले, इसके लिए जायका परियोजना के अंतर्गत बनाई गई कृषक विकास एसोसिएशन की क्लस्टर, ब्लॉक व राज्य स्तर पर फेडरेशन बनाई गई है। इसके माध्यम से उन्हें बिचौलियों से निजात मिलेगी तथा अपने उत्पाद का सीधे तौर पर विपणन करने में मदद मिलेगी। आने वाली पीढ़ी यानी स्कूल के बच्चों को कृषि व्यवसाय हेतु आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट जनरेशन चलाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया और इस व्यवसाय को अपनाने हेतु अपनी रुचि दिखाई। विभिन्न स्तरों पर कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा प्रश्नोत्तरी के द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्कूलों को प्रदान किए गए। परियोजना से किसानों के खुशहाल चेहरे और उनका सामाजिक स्तर